नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रनका से संवाददाता प्रदीप साव की रिपोर्ट। प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई भावभीनी विदाई। रनका प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में शनिवार को विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सहायक मुकेश कुमार ने किया। इस दौरान यहां से स्थानांतरित बीडीओ देवानंद राम को प्रधान सहायक मुकेश कुमार ने अंग वस्त्र पुष्प आदि देकर सम्मानित किया तथा कार्यक्रम में आए बड़ी संख्या में शुभचिंतकों ने बीडीओ को फूल मालाओं से स्वागत किया एवं उपहार देकर विदाई किया गया। दूसरी तरफ नव पदस्थापित बीडीओ अनिल रविदास को भी स्वागत किया गया। इस दौरान सीओ शिवपूजन तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि स्थानांतरित बीडीओ अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेह थे, मृदुभाषी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी माहिर थे। वही स्थानांतरित बीडीओ ने कहा कि स्थानांतरण व सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया है, कभी भी अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या से घबराना नहीं चाहिए, जहाँ तक हो सके उनका कार्य करने का काम करना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति लगनशील रहना चाहिए, काम से नाम होता है। इस मौके पर रनका कला पंचायत मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार मधेशिया ने कहा कि पदाधिकारी को आना जाना लगा रहता है, परंतु कुछ पदाधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्य की बदौलत छाप छोड़ते हैं, जिसे लोग भूल नहीं पाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रखंड कर्मी एवं जनप्रतिनिधि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने भी विचार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सोनू कुमार, पंचायत सचिव शोभा मिश्रा, फौदार साहू, जनसेवक पंकज तिवारी, रुपेश तिवारी, उत्तम रंजन, संजय गुप्ता, नितेश तिवारी, दीपक प्रजापति, हाशिम अंसारी, कार्तिक पांडे, ओम प्रकाश गुप्ता, अहमद अली, शशि सोनी इत्यादि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार।